हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके थे और आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर फ्रेशर क्लासेस पर सीटेट 2024 दिसंबर में जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैथ का तैयारी कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है इस चैनल पर। तो आइए आज का क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करते हैं। पाई पाई क्या है? यहाँ पूछ रहा है पाई है, तो पाई क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। क्या विषम संख्या किसको कहते हैं? सभी लोग को पता होना चाहिए विषम संख्या क्या होता है। जो संख्या दो से पूर्णतः भाज्य नहीं हो, जो संख्या दो से पूर्णतः भाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो इसका, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से। मतलब विषम संख्या वैसे संख्या होती है जो दो से डिविजिबल ना हो, ठीक है। और सम संख्या कैसे संख्या होती है? जो संख्या दो से पूर्णतः भाज्य हो, वह संख्या जो दो से पूर्णतः भाज्य हो। एग्जाम्पल में जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, तो वे सारी संख्या जो दो से पूर्णतः भाज्य होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और वो संख्या जो पूर्णतः दो से भाज्य नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जो संख्या खुद से और एक से सिर्फ भाज्य हो, ठीक है। जो संख्या खुद से और एक से सिर्फ भाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, ये सारी संख्या क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कैसे संख्या होती है? जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा गया था इस सवाल में पाई क्या है, तो पाई विषम संख्या नहीं है, सम भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, तो कैसी संख्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ना कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको जितना बार हो पॉसिबल उतना बार मैं लिखूंगा, रिवाइज करवाऊंगा उसी चीज को, जिससे कि आपके माइंड में वे कंसेप्ट बैठ जाए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है पढ़ाने का तरीका, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट दबा के करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और देखते रहिए, क्योंकि मैं तो आपको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि कहीं पर भी चूक नहीं करूंगा, एक कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो जिससे कि आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ने का जरूरत ना पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर, देख लीजिएगा सही है कि नहीं, ऐसे कुछ वीडियो में सही हो क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। मतलब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्या लेना है, ठीक है, और उसका जो है गुणा योगफल और गुणनफल 11 और 18 है। तो दो संख्या मान लेते हैं, माना कि दो संख्या है, ठीक है, मान लीजिए ए है
और बी है, ठीक है। तो इसका योगफल, योगफल, योगफल में मतलब क्या होगा, ए प्लस बी को जोड़ रहा है, तो इसका मान दिया हुआ है कितना, 11। और है एक गुणनफल, गुणनफल इस दो संख्या जो माने हम ये वाला, इसको आपस में गुना करें, उसका मान दिया हुआ है 18, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का व्यतक्रमो, व्यतक्रम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे ये संख्या है ए है, ए का व्यतक्रम क्या होगा, ए का व्यतक्रम क्या होता है, तो इसका 1/a नीचे कर देना, और बी का व्यतक्रम पूछे तो 1/b, ऐसे होता है व्यतक्रम। तो उसी बोल रहा है कि इन इन संख्याओं का व्यतक्रम होगा योग, योग मतलब क्या बोल रहा है कि व्यतक्रम, तो 1+a और 1/b, इसका इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, और ए से इसको पूरा को भाग देंगे तो ए तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा बी प्लस, और बी से इस पूरा को भाग देंगे तो बी खत्म हो जाएगा, बचेगा ए ऊपर। तो समझ में आया, पूछ रहा है कि बोल रहा है कि दो संख्या है, और दो संख्या का बोल रहा है कि योगफल और गुणनफल 11 और 18 दिया हुआ, तो हम दो संख्या मान लिए कि ए और बी है, और इस दोनों संख्या का योगफल 11 दिया हुआ आपको प्रश्न में, और गुणनफल 18 दिया हुआ है, लेकिन आगे बोला कि इन दोनों संख्याओं का व्यतक्रम, व्यतक्रम क्या होता है, उसका 1/a और बी 1/b, ये होता है व्यतक्रम किसी भी संख्या का। अब व्यतक्रम को बोल रहा है कि उसी संख्या का व्यतक्रम को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने जोड़ने के बाद जो वैल्यू है वो बताइए, तो आप जब जब जोड़ करोगे इस तरह से मिलेगा, और इसका जब एलसीएम लोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडिशन है, और एडिशन यहाँ पर है, तो एडिशन का मान कितना है 11, और गुना यहाँ पर है, और गुना का मान कितना है 18। तो यही बोला कि इसी का पूछा था कि व्यतक्रम, व्यतक्रम का वैल्यू क्या आएगा, दोनों संख्या का व्यतक्रम को का योग क्या आएगा, तो हमारा 11/18 आएगा, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को पूरा प्रश्न। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न आ गया 23, क्या बोल रहा है प्रश्न कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है, मतलब ये और इस संख्या को, इस संख्या का आपस में जोड़ कर देते हैं, तो सैकड़ा में मान पूछ रहा है। देखिए लेवल जो होता है सीटेट का इसी तरह का होता है क्वेश्चन, आपको हल्का ही लेवल मिलेगा 1-5 वाला, 1-5 पेपर में, तो इस दोनों का जोड़ कर देते हैं। और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा का मतलब होता है इकाई, दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, प्लेस वैल्यू होता है इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा स्थान पर बोला है कि निकटतम सैकड़ा का कौन सा होगा इस दोनों को जोड़ने के बाद, तो जोड़िए 6, 8, 14 हाथ में 1, 10, 1, 11 हाथ में 1, 7, 1, 8, ठीक है। तो हमारा 8 क्या है, सैकड़ा स्थान पर है, 8 हमारा किस पे बैठा हुआ है, सैकड़ा वाले स्थान पर। तो बोल रहा है कि ये जो संख्या है 814, ये सैकड़ा के स्थान को अगर देखें तो ये किसके निकट है, तो देखिए इस नंबर को दो तरह से दे सकते हैं, एक आप देखते 800 और 900, यही हुआ सैकड़ा, 900 और 800 को आप क्या बोलोगे, सैकड़ा मतलब 800, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो किसके निकट है 814, किसके निकट है, तो आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा किसके निकट है, तो 800 के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। प्रश्न का लेवल ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता है फ्रेंड्स, सीटेट में इसी तरह का क्लास 1-5 के पेपर 1 में इसी तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है मैथ में।